बरेली बार एसोसिएशन के सदस्यों ने अध्यक्ष अरविंद कुमार एडवोकेट और सचिव वीरेंद्र प्रसाद ध्यानी एडवोकेट के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और पारिवारिक न्यायालय को वर्तमान न्यायालय परिसर से बीर भट्टी सुभाष नगर स्थानांतरित किए जाने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि बादकारों को इससे बहुत परेशानी होगी और वकीलों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बरेली बार एसोसिएशन ने अपने 5 सूत्री ज्ञापन में जिलाधिकारी को परेशानियों से अवगत कराते हुए कहा कि 1 सितंबर 2022 को प्रधान न्यायाधीश और जिलाधिकारी द्वारा स्थानांतरित स्थान का निरीक्षण किया जाना बिना बरेली बार एसोसिएशन के संज्ञान में डाले बिना न्यायोचित नहीं है। उनका के बरेली न्यायालय में लगभग 5000 अधिवक्ता वकालत करते हैं और उनके पास इतना समय नहीं है कि वह नए स्थानांतरित जगह पर जाकर न्याय कार्य करें। क्रिमिनल कोर्ट में चल रहे हैं वादों को देखने और पारिवारिक न्यायालय के वादों को देखने में स्थान परिवर्तन से काफ़ी विभिन्नता आएगी और समय का अभाव और बर्बादी भी होगी। उन्होंने कहा कि पारिवारिक न्यायालय को बिना सर्वसम्मति से स्थानांतरित किया जाना न्याय उचित नहीं है और वकीलों में रोष व्याप्त है। वकीलों के हितों को देखते हुए और बादकारों की परेशानी को देखते हुए पारिवारिक न्यायालय को जहाँ था वहीं था, स्थिति बनी रहने दिया जाए और स्थानांतरण का आदेश निरस्त किया जाए। देखिए पारिवारिक न्यायालय हमारे यहाँ है, जो पारिवारिक केसेस करता है उस न्यायालय को बरेली परिसर से अन्य जगह स्थानांतरित करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी होने पर अधिवक्ताओं में रोष है और अधिवक्ता इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसके मांग आपने ज्ञापन दिया, किसको संबोधित? हमने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी को, अभी हम आप ज्ञापन देंगे जिला जज महोदय को, हम ज्ञापन देंगे अपने प्रधान न्यायाधीश महोदय को। प्लीज यहाँ पहले वो बनाइए, बाद में चले एक मिनट, प्लीज प्लीज। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।